Dear students, today we are going to discuss wave function and its properties. देखो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेव फंक्शन. ऑल फंक्शंस कैन नॉट बी वेव फंक्शन. वेव फंक्शन की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है और वो जो प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है, कंडीशन फॉलो करता है, उसे ही वेव फंक्शन कहते हैं. सो वी कैन राइट हियर ए वेव फंक्शन. A wave equation actually means a wave equation has many solutions. A wave equation को आप solve करेंगे has many solutions क्योंकि ये differential form में equation होता है. तो differential form में अगर कोई equation होता है उसकी बहुत सारे solutions आपको मिलेंगे, ठीक है. But only those solutions are acceptable, but only those solutions are acceptable which has following properties. तो कुछ खास प्रॉपर्टीज है जो वेव फंक्शन अगर रखता है, कैरी करता है, तो हम उसे वेव फंक्शन कहेंगे. नंबर वन, जो वेव फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझे, इफ वेव फंक्शन इज साई एक्स, साई का फंक्शन नेम और एक्स है, इस पर डिपेंड करता है. सो फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्स वेरिएबल एंड इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल राइट and its derivative with respect to x is d sin upon dx. कोई भी वेव फंक्शन अगर हम मानते हैं, वेव फंक्शन ये है और उसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आता है. तो इन दैट केस नंबर वन प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जो फाइ एक्स होगा वेव फंक्शन होगा एंड ये जो उसकी डेरिवेटिव होगी एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगी आर फाइनाइट या गिव फाइनाइट रिजल्ट. ये जो रिजल्ट देगा वो फाइनाइट होना चाहिए. फाइनाइट का मतलब जैसे इसको ऐसे समझिए कि सपोज कोई फंक्शन है, उसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सपोज ऐसे समझिए उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये वेव फंक्शन है, एक्स का वैल्यू ऐसे जा रहा है और साई एक्स का वैल्यू ऐसे जा रहा है. तो अगर आप ये साई एक्स है, ठीक, तो अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो तो अगर ग्राफ की इक्वेशन इस तरह से हो जाए तो एक सर्टेन इंटर टाइम पे आप देखो कि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट, है ना. इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट होती है. जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप tan x का ले लो, tan x का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जब x की वैल्यू 90 डिग्री होती है पाई बाई टू तो इसका वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट. तो फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा. तो कोई ऐसा फंक्शन वेव फंक्शन जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए किसी समय, फाइनाइट नहीं हो,
और वही काम इसके साथ भी करेंगे, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो वो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब वो वेव फंक्शन नहीं हो सकता। तो कोई भी वेव फंक्शन तभी होगा कि वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन आर ऑलवेज फाइनाइट। नंबर टू, जो वेव फंक्शन होता है एंड इसकी जो डेरिवेटिव होती है आर सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यू जिसका मतलब, इसकी सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है कि सपोज आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए है ना, सपोज हम साई एक्स का ही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे जाता है और एक्स का वैल्यू ऐसे रखते हैं। तो अगर आपका ग्राफ ऐसे आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए तीन साई एक्स का तीन वैल्यू आपको मिलता है, कोई एक्स की वैल्यू ये पुट करोगे इसका मतलब है साई एक्स का वैल्यू ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, देखो साई एक्स का तीन वैल्यू मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट ए सिंगल वैल्यू फंक्शन। तो ये दोनों जो फंक्शन बनेगा ये सिंगल वैल्यू होना चाहिए, मतलब ये नहीं चलेगा, इस केस में भी ये नहीं चलेगा क्योंकि इनफाइनाइट होगा। हम कैसा चलेगा, तो इस तरह का चलेगा, अगर हम देखें तो साई एक्स अगर ये ऐसा है, देखो साई एक्स अगर ऐसा है और ये एक्स ऐसा है, तो देखो एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए, एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए आप देखोगे कि इसकी वैल्यू सब अलग है ना। तो एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है, जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो डिफरेंट, तो सिंगल वैल्यू एक ही वैल्यू आनी, एक्स के पार्टिकुलर वन वैल्यू के लिए साई एक्स का फंक्शन का एक ही वैल्यू आना चाहिए, इसको सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि जो फंक्शन वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड इसकी जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो कैसी होनी चाहिए, आर कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, फिर ग्राफ इसको हम समझाएंगे आपको, जब ये एक्स हुआ और ये हुआ फंक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप देखो ग्राफ अगर ड्रॉ करो, ग्राफ ऐसा आया और आके फिर ऐसा हो गया, देखो बड़ा सेंस, यहां के बाद आपका कोई रियलिटी नहीं है, डिसकंटिन्यू कर दिया, ब्रेक कर गया, हाँ इसके बाद आपको कोई भी लाइन नहीं है, तो लाइन डिसकंटिन्यू कर गया, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो चाहे इसका ग्राफ ड्रॉ करे चाहे इसका ग्राफ ड्रॉ करे, लाइन इस तरह टूटना नहीं चाहिए, मतलब दिस इज नॉट अ वेव फंक्शन। कैसा होना चाहिए, तो इस तरह से देखो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सो कंटिन्यूअस होना चाहिए। नंबर फोर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि स्क्वायर इसका जो हो, फंक्शन का जो स्क्वायर हो वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब उसको आप इंटीग्रेट कर सके। सो लिखेंगे फाइव एक्स एंड डी साई एक्स क्या कैसा होना चाहिए, मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, मस्ट बी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करके अगर हम जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट हम कर सके, इंटीग्रेबल, स्क्वायर इंटीग्रेबल होनी चाहिए। सो दिस आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। ओके, थैंक यू।